झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में गंदगी से बुरा हाल। अस्पताल के वार्डो में कॉकरोच का राज। सफाई के नाम पर करोड़ों का खर्च, मगर फिर भी अस्पताल में कॉकरोचों का दिखा आतंक। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में लापरवाही का आलम आए दिन देखने को मिलता है, लेकिन अब तो लापरवाही की हद ही हो गई। यहाँ गंदगी का यह आलम है कि रिम्स के तमाम वार्ड में कॉकरोच घूमते नजर आ जाएंगे। रिम्स के न्यूरो सर्जरी और सर्जरी विभाग में मरीज के बेड पर भी कॉकरोच रेंगते मिल जाएंगे। इससे इन वार्ड में मरीजों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। बता दें कि रिम्स में साफ सफाई की व्यवस्था चरमरा गई है। यहाँ गंदगी का यह आलम है कि चूहे तो घूमा ही करते थे, अब कॉकरोच भी वार्ड में घूमने लगे हैं। यहाँ इलाज के लिए आए मरीजों के परिजन ने बताया कि उनको कॉकरोच के साथ कबड्डी खेलना पड़ता है। जमीन पर लेटे मरीज का तो हाल छोड़ दीजिए, जो मरीज बेड पर रहते हैं उनके पास भी कॉकरोच पहुंच जाते हैं। मरीज के परिजनों का कहना है कि कॉकरोच का आतंक ऐसा है कि पल भर भी पलक नहीं झपक सकते। रात होते ही फर्श से लेकर बेड तक हर तरफ कॉकरोच घूमते नजर आते हैं। बड़ी संख्या में कॉकरोच के आतंक को देखकर परिजन चिंतित रहते हैं कि कहीं यह कॉकरोच अचेत पड़े मरीज के मुंह नाक में ना घुस जाए, इसका डर उन्हें हमेशा बना रहता है। जबकि सर्जरी को लेकर चिकित्सकों की खास हिदायत होती है कि जब मरीज का ऑपरेशन होता है तो ऐसी परिस्थिति में आसपास साफ सफाई रखें। परिजनों ने बताया कि बेड के नीचे कॉकरोच घूमते रहते हैं, कई बार तकिए के नीचे या फिर चादर के अंदर कॉकरोच घुस जाते हैं। ऐसे में अचेत पड़े मरीज को उठाकर पूरा बेड साफ करना पड़ता है, जिससे कई तरह की परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती है। वही इस संबंध में रिम्स के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर राजीव रंजन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। देखिए, पेस्ट कंट्रोल तो यहाँ पे ऑलरेडी ये है, शायद इसका टेंडर रिन्यूअल का कुछ इशू है, तो लेकिन पेस्ट कंट्रोल होता है और डॉक्टर नहीं आते हैं, ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। परिजन बोल सकते हैं, डॉक्टरों की संख्या जितना अनुपात होना चाहिए उसके हिसाब से हो सकता है कम ज़्यादा हो, मगर डॉक्टर नहीं आते हैं क्योंकि डॉक्टर सभी हैं। अगर वो सीनियर डॉक्टर की बात करते हैं तो सीनियर डॉक्टर ऑब्वियसली सभी जगहों पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि अगर जूनियर रेसिडेंट जा रहे हैं, अगर सीनियर रेसिडेंट जा रहे हैं, या कई बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर जो कनीय पदाधिकारी हैं उन्हीं के, तो HOD हर जगह नहीं जाएंगे या उनके यूनिट इंचार्ज हर जगह नहीं जाएंगे, क्योंकि जब उनकी आवश्यकता होगी तब उनको वो कॉल करेंगे। कन्वे तो किया ही जाता है हर लेवल से, जूनियर रेसिडेंट सीनियर को करेंगे, सीनियर रेसिडेंट जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर या फैकल्टी जो है उनको करेंगे, उसके बाद उसके पर्यांत जो है ना प्रोफेसर या जो यूनिट इंचार्ज है उसके पास ये चीज़ें जाती हैं। तो बिल्कुल जो प्रेस कंट्रोल है उसको फिर से सूचना दी जाएगी, D2 के बारे में स्पेशली बताया जाएगा कि वहाँ पर शिकायत मिली, तो शीघ्र इसका निष्पादन होगा। अब देखना यह है कि आखिरकार रिम्स की ये जो हालत है वो कब तक सुधरती है, और सरकार जो करोड़ों के खर्च का दावा कर रही है उसका नतीजा कब तक लोगों को देखने को मिलता है। रांची से समीर हुसैन की रिपोर्ट।